हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने प्रमुख सभ्यताएं राजस्थान की और प्रमुख राजवंश हमने सभी पढ़े, मेवाड़ के, मारवाड़ के, बीकानेर के, ठीक है, आमेर के। तो देखिए, वहीं से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आएंगे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे वो रीट का है, आपके राजस्थान के जीके की 2 यूनिट, 3 यूनिट आपकी आ रही हैं, 3 यूनिट आ रही हैं रीट में। इसके बाद थर्ड ग्रेड का जब एग्जाम होगा, तब वहाँ आपके, देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जान लें, 70 मार्क्स जो है वो आपके राजस्थान के जीके के हैं, लेवल 2 वाले, लेवल 1 वाले 90 मार्क्स का राजस्थान का जीके है, ठीक है। सेकेंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो पूरे 80 मार्क्स का राजस्थान का जीके है। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, आप आरएएस तक की तैयारी करते हैं, बुक्स आप यही फॉलो करें, एग्जाम आप चाहे कोई भी दें राजस्थान में, अब राजस्थान का जीके हर एग्जाम में जुड़ गया है, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम हो या फिर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हो, आपको राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही होगा, कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो मैथ साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। इसीलिए आपको ऑथेंटिक बुक के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। और रीट की तैयारी के लिए आप लोग इन बुक्स को फॉलो करें बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल नई वाली बुक है जो कि आपके स्कूल में चल रही हैं, बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं, जो आपके सिलेबस आया है आपके रीट का, ठीक है, तो जहाँ लिखा है वहाँ पर कौन से सन की बुक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी थी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन बुक्स को पढ़िए। आरएएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो भी इन्हीं बुक्स को पार करके ही आगे बढ़ते हैं, उनको कोई ऐसी नहीं है कि कोई अलग से ही बुक वो पढ़ते हैं, यही बुक्स को पढ़ते हैं, आप लोग बस ध्यान नहीं देते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। विश्वास करिए, क्योंकि यहाँ पर YouTube पर मैंने बिल्कुल बुक्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं, ताकि आप लोग इनका भरपूर फायदा उठा सकें। जो नोट्स खुद के बनाते हैं और तैयारी करते हैं वो नोट्स बनाइए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चलेगी उससे पढ़िए, PDF लीजिए, कैसे भी करिए इन बुक्स को पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और एक बार में ही आप सिलेक्शन ले सकें, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, आपको हर कंपटीशन के एग्जाम में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान में लोक देवता, 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। जैसे ही 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, तो राजस्थान के जनजीवन में जो है एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों और रूढ़िवाद और बाहरी आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, बल्कि इन्हें देवता तुल्य भी माना और इन्हें लोक देवता या लोक संत का दर्जा दिया। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हैं लोक देवता गोगा जी। तो इन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं, इन लोक देवताओं ने, जिनको जो आमजन था, इन्होंने देवताओं की जो श्रेणी जो है वहां पर रखा, ठीक है। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो पांच पीर हैं कौन कौन से, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा मांगलिया जी, ठीक है। और इसके बाद जो है कौन है, गोगा जी। तो ये पंच पीर हैं जिनके बारे में मैंने आपको कई बार ट्रिक भी बताई थी, राम गो पहाड़ में, ठीक है। तो जिसमें राम से हो जाएगा रामदेव जी, गो से हो जाएगा गोगा जी, पहाड़ के पास से हो जाएगा बाबू जी, हा से हो जाएगा हड़बू जी, ठीक है, और मैं से हो जाएगा मांगलिया, मेहा मांगलिया जी, ठीक है। तो ये पंचपीर हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इन पंचपीरों में से ही पूछ लिया जाएगा। इसमें एक जो है आपके दे दिए जाएंगे लोक देवता गोगा जी को हटाकर,
तो पूछा जाएगा इसमें से कौन से पंचपीर नहीं है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। आपके रीट जैसे एग्जाम में, थर्ड ग्रेड जैसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है गोगा जी के माता का क्या नाम था, गोगा जी के पिता का क्या नाम था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो गोरखनाथ और महमूद गजनबी के समकालीन माने जाते हैं गोगा जी। गोगा जी के अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध होता है। इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी जो है वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन सुरजन, मुसलमानों की फौज लेकर जो है गोगा जी की गायों को घेर लेते हैं। इनमें जो है वो संघर्ष होता है जिसमें अर्जुन सुरजन और गोगा जी, ये सभी जो है अर्जुन सुरजन मारे जाते हैं और गोगा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं गायों की रक्षा के लिए। गोगा जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ददरेवा शीर्ष मेणी में हुआ। इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है, धुर मेणी कहलाता है। और गोगा जी की स्मृति में गोगा मेणी हनुमानगढ़ में समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है पूजा। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष्प्रभावहीन हो जाता है। यानी किसी को यदि सांप काट लेता है तो गोगा जी को जाहिर पीर कहकर जो इनकी पूजा की जाती है तो जो सर्प का जहर है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इनको कहते हैं नागराज और मुस्लिम जो है इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इनकी फोटो जो है वो माइंड में बिठा लीजिए, कौन है ये, गोगा जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म जो है खड़नाल नागौर गांव के ताहड़ जी, खड़नाल क्या है गांव का नाम है, नागौर जिला है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुमरी। वहीं पर हमने देखा गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम था बाछल। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जन्म हुआ। तेजाजी अपनी पत्नी पेमल, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है, पेमल। तो ये अपनी पत्नी पेमल को अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, लाछा गुजरी। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे तो मेर लोग जो थे वो लाछा गुजरी की गाय को चुरा कर ले गए। तो लाछा गुजरी ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो तेजा जी आप जाकर जो है मेरी गायों को छुड़ाएं। तो ये गए अपने वचन को लेकर। रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर जो है एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि जब वो गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। और भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। अब उन्होंने अपने वचन का जो है वो पालन किया। कैसे, वापस आए सर्प के पास और कहा कि अब मुझे डस लो। तो पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए क्या कर दिया, जीवा आगे कर दी। तो सर्प ने कहा कि पूरा तो आप जो है लहूलुहान हो रहे हो, मैं कहां डसूं। तो इन्होंने अपनी जो जीव है वो बाहर निकाल दी। तो सर्प ने जो है इनकी जीवा पर डस लिया। सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भादों की शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। जो भी हम लोग देवता हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखें कि इनके जो है आपको मिलेगा कि ये लोग जो है भादों की शुक्ल दशमी यानी भाद्रपद में ही इनका जो है मेला लगता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो हमने देखा सबसे पहले गोगा जी के बारे में, तो उनका मेला भी भादों में ही लग रहा है और तेजा जी का जो मेला है वह भी भादों में लग रहा है। थोड़ा सा ये ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए इनकी जो तस्वीर है इसमें जो सर्प है इनकी जो जीव है उस पर डस रहा है। ठीक है, तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में जाने जाते थे। तो कौन से ऐसे लोक देवता जो कि नागों के देवता के रूप में जाने जाते थे, तो तेजा जी और गोगा जी।
तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत या डोरी यानी धागा जो है वो बांध दे तो विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं कथाएं अक्षर रहस्य है सत्य हो या आवश्यक नहीं है, इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। ठीक है, तो ये मान्यताएं हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, लोग इनको मानते भी हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता है बाबूजी। बाबूजी का जन्म धांदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। ठीक है, तो इनके पिता का क्या नाम था? धांदल जी राठौड़। इतिहासकार मोहनोत नैन सी, महाकवि मोर जी आशिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के घर से हुआ। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल चोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ हुआ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि बाबूजी की शादी जो है किससे हुई थी? अमरकोट के सूरजमल चोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश चींदराव खींची ने पूर्व बैर के कारण देवल चाड़ने की गायों को घेर लिया। तो देखिए, जब इनका विवाह हो रहा था तो बीच शादी में ही जो है इनको उठकर जाना पड़ा था, क्योंकि इनके जो बहनोई थे जायल नरेश जींदराव खींची, तो पुरानी दुश्मनी के कारण इन्होंने देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से प्रार्थना की कि गायों को छुड़ाकर लेके आए, और 3 फेरे लेने के बाद 4थे फेरे से पहले ही देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी घोड़ी, इस पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए ये चल पड़े। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो गायों की रक्षा की वजह से ही बाबूजी जो है ये भी वीर गति को ही प्राप्त हुए थे। यहाँ पर याद रखना है, देवल चारणी की गायों जो हैं इनको बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वहीं पर हमने देखा था कि लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने अपने प्राण जो है वो त्यागे थे। ठीक है, इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं बाबूजी। बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऊँटों के देवता हैं, पूजा की जाती है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को। तो इसी वजह से ऊंटों के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुकी है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है, और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता हैं जिनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो वह है बाबूजी। अगला देखें, देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाए के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित जो है मारे गए थे। ठीक है, इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भिनाए शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की तरफ वापस आते हैं, और मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से जो है इनकी शादी हो जाती है। तो देव नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? पीपल दे। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाए पहुंचे, जहां पर इनके पिता की जो है वो मृत्यु हुई थी। जहां गायों को लेकर भिनाए ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। देव नारायण जी का जो पूजा स्थल है वह आसीद भीलवाड़ा में है। मेला इनका कब लगता है? भादों में। ठीक है, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके मुख्य अनुयायी जो है गुर्जर हैं।
जो देव जी की फड़ और देव जी बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। तो इनकी जो फड़ गाने वाले कौन हैं? गुर्जर भोपे हैं। किवन देती की हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूरा होता है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जाणी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 में महेवा के स्वामी बन गए और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में वे फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। यहाँ पर देखिए हम जिस तरीके से चैप्टर पढ़ते हैं, आप लोग मार्केट से लाकर यदि बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो तब भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा जितना कि यहाँ पढ़ने में आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि क्लास चल रही है, क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हैं और ध्यान से जो है चैप्टर सुन रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेगुलर जो है वो बने रहें और चैप्टर जो है वो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड में रह जाती हैं और याद भी होती हैं। जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और फिर वो हमारे माइंड में फिट बैठ जाती है। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। तो इन्होंने अपने गुरु किसको बनाया? उगमासी भाटी को। पत्नी का नाम क्या था? रानी रूपा दे। और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किवन दितियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में बृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है? तो अब मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ा आप ध्यान में रखना, इनका जो स्वर्गवास कब हुआ था? चैत्र में हुआ था, चैत्र शुक्ल द्वितीय को, और अभी तक हमने पढ़े भादों में। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है जहां प्रतिवर्ष चैत्र की कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था और इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखना कि मल्लीनाथ जी जो हैं कहाँ के हैं? मारवाड़ के, ठीक है? इनके जो पिता हैं रावल सलखा, माता हैं जानी दे, पत्नी हैं रूपा दे, गुरु हैं उगमासी भाटी और इनका मेला जो है वो चैत्र में लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणा दी के पुत्र हैं। रामदेव जी, इनका जन्म जो है वो बाड़मेर की शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में हुआ। बाड़मेर भी याद रखना है और शिव तहसील भी याद रखना है और गांव का नाम है उड़कासमेर, ठीक है? क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के बाद वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। तो एक व्यक्ति था क्रूर व्यक्ति भैरव, तो इसने जो है पोकरण के क्षेत्र में अराजकता फैला रखी थी, आतंक जो है वो फैला रखा था, तो उसका अंत किया। इनका विवाह जो है वो अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम है? नेतल दे। अपनी भतीजी को पोकरण इन्होंने दहेज में दिया। इनको जो है पोकरण किसने दिया था? मल्लीनाथ जी ने। फिर इन्होंने जो है यहाँ पर भैरव नामक व्यक्ति को जो है उसको मारा और उसके बाद पोकरण जो है वो अपनी भतीजी को दहेज में दिया और इसके बाद रामदेवरा रुणेचा में गाँव बसाया। वहीं 1458 में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित इन्होंने समाधि ली। एकादशी को समाधि ली और मेला कब लगता है? द्वितीय को, ठीक है? भादों की शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली और भादों की शुक्ल द्वितीय को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की प्रमुख विशेषता है कि एकमात्र रामदेव जी का मेला जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों जो है यहाँ पर आते हैं।
हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान राम सापीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। तो लक्ष्मण जी के अवतार जो हैं किन्हें कहा जाता है? बाबू जी, ठीक है। रामदेव जी जो है किसके अवतार कहे जाते हैं? श्री कृष्ण जी के। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए यानी इनके जो पैरों के निशान हैं वो स्थापित किए जाते हैं और ये स्थान क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। स्थानीय भाषा में इनको थान कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो चैप्टर पढ़ने पर देखिए कई चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो याद होती हैं। इसी तरीके से जो है मैंने भी जो है याद किया था, क्योंकि कई बार जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो कुछ भी पूछ लिया जाए हमारे टिप्स पर जो है वो आंसर होता है, ठीक है। अब कितनी बार आपने ये चीज पढ़ ली है कि रामदेव जी जो है इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की, ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य जो है वो करते हैं। फिर देखिए पंच पीरों में एक है मेहा जी मांगलिया, ठीक है। कई बार जो है मेहा जी और मांगलिया यह इनके बीच में जो है वो कॉमा लग जाता है, तो ऐसा समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग लोक देवता हैं। ये एक ही लोक देवता है मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं और ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म जो है पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये मेहा जी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय परिवार में। पालन पोषण कहाँ हुआ? मांगलिया गोत्र में। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए और अंत में जैसलमेर के राडोगदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करना, इनके संरक्षण देने के कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है और मेला कब लगता है? भादों की कृष्ण अष्टमी को। हड़बू जी, हड़बू जी जो है ये भी पंचपीरों में शामिल हैं। हड़बू जी भुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र राव जोधा के समकालीन हैं और मेहा मांगलिया जी राव चूंडा के समकालीन थे। हड़बू जी की पिता जो है इनकी मृत्यु के बाद वे भुंडेल छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्यागा और गुरु किसको बनाया? बालीनाथ जी को बनाया और इनसे दीक्षा ली। किससे प्रेरित हुए? रामदेव जी से, ठीक है। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया। तो लोगों की जो मान्यता है वो क्या कहते हैं कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान जो है इन्होंने जो है वो सहायता की और इस वजह से जोधा के अधीन जो है ये पूरा क्षेत्र आ गया और जोधा ने जो है इन्हें खुश होकर बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान जो है वो बेंगटी फलौदी में है। बापड़ी में मंदिर किसका है? मेहा मांगलिया जी का, ठीक है। और हड़बू जी का जो प्रमुख स्थान है वह है बेंगटी फलौदी, यानी मंदिर है यहाँ। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये थे आपके प्रमुख लोक देवता जिनको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ा दिया है। आपको याद भी हो गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं हुआ है तो बार बार वीडियो को देखिए, चैप्टर जो है वो बार बार पढ़िए जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है लेकिन आएगा इन चैप्टर के अंदर से ही। इस बॉक्स में थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी मेवाड़ अंचल में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है।
मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ जो है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। तो एक और लोक देवता है, चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है किसे? कल्ला जी को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत। ठीक है, तब तक वीडियो बार बार देखना है आपको, अच्छे से देखना है, ताकि देखिए अभी आपके पास टाइम है, चैप्टर यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ें इतनी अच्छे से याद हो जाएंगी कि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।